मोदी जी आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, तो क्या हुआ मैं कांग्रेस से हूँ और आप भाजपा से, उम्र में आपसे छोटी हूँ लेकिन प्रधानमंत्री तो आप पूरे देश के हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक छोटी सी इल्तिजा आपसे कर दूं। मोदी जी मैं ये सोच रही थी ना कि आप एक ट्रोल मंत्रालय बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ कोलीग्स हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं है करने को, कहने तो को तो वो विभागों के मंत्र हैं, कहने को तो उनके पास काफी सारे मंत्रालय हैं, लेकिन ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि सारे डिसीजंस और निर्णय तो आप ही लेते हैं और आप ही के दो चार लोग लेते हैं, इन लोगों के पास बेचारों के पास कुछ काम तो होता नहीं है। और ये भी सच है कि कैमरा बंद होते ही वो इस बात का अफसोस भी जाहिर करते हैं, इस पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि उनके पास इतना समय और व्यस्तता है नहीं, तो वो ट्रोल करते हैं अपना काम धाम छोड़कर, बिल्कुल दोरुपल्ली के ट्रोल जैसा व्यवहार करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी मोदी जी वरिष्ठ लोग हैं, थोड़ा सम्मान इनको दिया जाए और इसीलिए ट्रोल मंत्रालय बना दीजिए। और जो वरिष्ठ मंत्री हैं जैसे कि रविशंकर जी हो गए, प्रकाश जावड़ेकर जी हो गए, स्मृति जी हो गई, जिनका मुंह ही तब खुलता है जब ऑपोजिशन से कोई चार्ज लगता है, वैसे तो वो चुप रहते हैं, उनको आप इसका इंचार्ज बनाइए, उनको आप कैबिनेट दर्जा दे दीजिए। और जो थोड़े जूनियर हैं, जो लगे रहते हैं, जिनकी अपनी ही मट्टी पलीद होती रहती है, उनको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दीजिए स्ट्रोल मंत्रालय का। तो क्या होगा ना, इनका समय भी व्यतीत हो जाएगा और थोड़ा सम्मान भी मिल जाएगा, एक अच्छे खासे मंत्री बन जाएंगे और ऐसे विभाग के बन जाएंगे जिसका संचालन भी ये करते हैं, जिसको चलाते भी ये हैं ट्रोल विभाग के। क्योंकि ऐसा है ना मोदी जी, क्योंकि आपके जो मंत्री हैं, जब राफेल पे सवाल पूछो कि भाई कैसे देशद्रोह हुआ, कैसे वहां से फाइलें लिख के डिटेल्स निकल गए, कैसे 21,000 करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान हुआ, कैसे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ गई है, संक्रमण फैल रहा है, वैक्सीन की कमी है, जबरदस्त किल्लत है, इस पर तो उनका मुंह खुलता नहीं है। कुछ महिलाएं जैसे हैं स्मृति जी, उनका तो मुंह खुलता ही नहीं है, अगर औरतों का रेप बलात्कार हो जाता है उस पर वो चुप रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमारे लीडर राहुल जी बोलते हैं ना, इनको एकदम से याद आ जाता है, अरे आज तो धर्म निभाना है, ट्रोल करना है। तो मुझे पता है कि इन सबका जो जिसको कहते हैं ना, इन सबका जो दायित्व है वो ट्रोल करना होता है, इनका वजूद ही ट्रोल करने से है। तो थोड़ा सा इनके बारे में चिंता करिए, छोटी हूं मेरी बात मान लीजिए, एक ट्रोल मंत्रालय जरूर बनाइए, इससे ये सब लोग बिजी रहेंगे और थोड़े सम्मानित भी रहेंगे। धन्यवाद।